खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। सोमैया का पत्ता कटा, मनोज कोटक को मिला उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट। आखिर बीजेपी ने उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा के सांसद गिरीश सोमैया का पत्ता काट ले दिया। उनकी जगह पर पार्टी के नगर सेवक मनोज कोटक को उम्मीदवार घोषित किया है। उनकी जगह पर कोटक के टिकट देने का सोमैया ने स्वागत किया। प्रेस नोट जारी कर बताया कि मनोज का छोटा भाई है और उन्हें पूर्ण समर्थन दिए। बताया जा रहा है कि कोटक के चुनाव प्रचार की कमान सोमैया और प्रकाश मेहता के हाथ में होगी। बीएमसी चुनाव के दौरान सोमैया ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए थे, तब से शिवसैनिक सोमैया से खार खाए थे। अब लोकसभा के लिए गठबंधन के बाद स्थानीय शिवसैनिकों को साथ चुकाने का मौका मिल गया। शिवसेना ने वीटो कर दिया कि अगर सोमैया को टिकट दिया गया तो शिवसैनिक सोमैया के लिए काम नहीं करेंगे। शिवसेना के विरोध के कारण सोमैया का टिकट लटका था। बुधवार को इसका पटाक्षेप हो गया। मनोज कोटक मुख्यमंत्री के करीबी हैं। माना जा रहा है कि कोटक को टिकट दिलाने में मुख्यमंत्री फडणवीस की अहम भूमिका रही। इससे पहले कोटक को विधान परिषद में पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने दो बार कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार असफल हो गए थे। मांडू विधानसभा से भी मनोज को विधायक का चुनाव भी लड़ाया, लेकिन वो हार गए। क्रेडिट कार्ड टिकट कटवाकर शिवसैनिक भी खूब खुश है। भारतीय जनता पक्षाचे ईशान्य मुंबईचे खासदार डॉक्टर किरीट सोमैया यांचा कार्याचा जो ठसा ईशान्य मुंबईवर आहे, मला विश्वास आहे पक्षाने जी जबाबदारी माझ्यावरती दिली आहे ते किरीट भाईच्या सहकार्य आणि आशीर्वादाने आम्ही पूर्णपणे पार पाडू। ज्या कामांना किरीट सोमैया साहेबांनी एवढे वर्ष जी कामं केली त्या सगळ्या कामांना गती देणं आणि ईशान्य मुंबई सहित मुंबईचा विकास करणं हा मुख्य एजेंडा राहील। भारतीय जनता पक्षाने ईशान्य मुंबईतून एक खूपच सरस यंग डायनेमिक माझा भाऊ मनोज कोटक याची निवड केली आहे आणि यावेळीचा विजय हा टॉप 10 मधला विजय ईशान्य मुंबईतून भाजपचा होणार आहे। मनोज खूप चांगला अनुभव आहे महापालिका आणि मुंबईचा प्रश्नांचा आणि मला विश्वास आहे की तो ईशान्य मुंबईचं प्रतिनिधित्व दिल्लीत प्रत्येक मुंबईकरांना अभिमान वाटेल असं करणार। छोटा भाई मनोज कोटक अब ईशान्य मुंबईचे भाजपा का सांसद बनेगा और मुझे विश्वास है कि मनोज का अनुभव यंग डायनेमिज्म ये ईशान्य मुंबई और मुंबई का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करेगा। मुंबई की हर समस्या के ऊपर मुंबई मनोज की जानकारी है और इस बार की मनोज कोटक की जीत ये ईशान्य मुंबई की जीत टॉप 10 में रहेगी ऐसा मुझे विश्वास है।